अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैंने वीडियो अपलोड इसलिए कर दिया क्योंकि वो सब्ज़ी बनाने में 6-7 मिनट लग गए थे, तो वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाती, तो इसीलिए मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो इसके लिए बनाऊं। तो करेलों को नमक लगा के अच्छी तरह रख लिया था काफ़ी देर पहले, और अब इसको बिल्कुल मतलब ज़्यादा हल्की भी नहीं, हल्की आँच पर इनको ब्राउन करना है। ये देखिए, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म था तो इस तरह ये फ्राई हो रही हैं। ये तो अभी से भूख लगना शुरू हो गई है, तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा खुशबू के लिए, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है ज़ीरे के लिए। तो ये लाइट ब्राउन हो गए थे, तो दही नहीं थी इसलिए टमाटर ऐड कर लेते हैं। अब मैंने प्याज ऐड कर ली है इसमें, वैसे मैंने एक दो बार ही बनाए हैं, मुझे खास बनाने नहीं आते करेले, शायद एक ही बार ही बनाएंगे बस। तो ये थोड़ा बहुत फ्राई हो रहा है, तो इसमें जो भी मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो कर लेते हैं। ये आप लोग सोच रहे होंगे इतनी मिर्चें खाते हैं, जबकि ये फीकी मिर्चें हैं बिल्कुल। हाफ चम्मच हल्दी का डालूंगी, आज मुल्तान का मौसम बस ऐसे है कि गर्मी भी है और नहीं भी है, क्योंकि थोड़ी देर बाद धूप निकल आती है और थोड़ी देर बाद जो है ना बादल आ जाते हैं। आप सोचते होंगे ये सालन में तो इतनी सारी चीज़ें ऐड होती हैं, बहुत सही है, तो सिर्फ मिर्च लाल मिर्च और नमक, तो वो तो करेलों में ही लग जाते हैं पहले से ही, और हल्दी बस। सिंपल सालन जो है ना वही उसका असल टेस्ट होता है और वही मज़े का लगता है। ये जितने भी मसाले उसमें ऐड कर लो या वो, बस ये स्टमक ही ख़राब करते हैं और कुछ नहीं। अब इसको थोड़ी देर दम लगा दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत कच्चा रह गया तो वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सालन रेडी हो गया है, कमेंट में बताइएगा कैसा बना है। तो सालन बन गया है, तो अभी मैं खा रही हूँ खाना। तो झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़े बहुत ही कड़वे रह गए हैं, ज़्यादा नहीं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।